बोलती चली जाती। इस वक्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम करण को उसके जाल में फंसने ना दें। करेक्ट, जो भी प्लान कर रही है वो फेल होना चाहिए और हमें बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है। चलो चलो। बायरा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रीता इतने गुस्से में थी, हुआ क्या मायरा? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रीता ना जानती है हमारे प्लान के बारे में। उसको कुछ तो पता है। अगर वो थोड़ी देर यहाँ और रहती ना, मैं उससे कुछ तो उगलवा लेती। उसकी बहन आ गई, उसे ले गई। अच्छा, वो सब छोड़ो, मैंने बेटे से बात कर ली, वो हमारी मदद करने के लिए रेडी है। लेट्स गो। किसी भी और लड़के को वो अच्छा ही लगता। क्यों? क्यों? क्यों क्या मतलब? पागल हो क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ऋषभ जी को इसलिए ऐसे देख रही थी, सोच रही थी कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, कितने स्वीट हैं। बाय द वे मैं बता दूं, पूरे लूथरा खानदान में से मेरी मम्मा को सिर्फ ऋषभ जी पसंद है। मैं सोच रही थी कि ऋषभ जी इतने अच्छे इंसान हैं और उनकी शादी शर्लिन जैसी लड़की से हो गई। आई मीन दैट्स सो सैड ना। तुम एकदम सही कह रही हो सृष्टि। वैसे इस मामले में तुम्हारी बहन बहुत लकी है। क्यों? अरे उसकी शादी उस पृथ्वी से नहीं हुई ना, बच गई ना वो। हद है यार, मिस्टर गॉड, प्लीज कुछ ऐसा करो कि प्रीता जी इस गिल्ली डंडा प्लेयर को अपना हस्बैंड मानना छोड़ दे। नहीं, ये गिल्ली डंडा प्लेयर प्रीता जी को देख रहा है और ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। तुम पहले से ही रंग मुझे लगाना चाहते थे, मायरा को नहीं। एक बात मैं पूछूं, जवाब दोगी? तुम इतनी देर से मुझे घूर रही थी ना, एक टक बिना पल के चुपका है, तुझे चल क्या रहा दिमाग में प्रीता का? तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो गए? कॉन्फिडेंट तो नहीं, आई एम ऑब्जर्विंग, बहुत देर से देख रहा हूँ, मैं एक टक मुझे ही देख रही थी। सच से बताओ चल क्या दिमाग में? कुछ नहीं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इतनी सुंदर डेकोरेशन है, मैं तो चारों तरफ ही देख रही हूँ। थैंक यू। ये ड्रिंक पक्का मायरा ने भेजी, इसका मतलब इस ड्रिंक में कुछ तो मिला है जिसे पीने के बाद करण अपने होश खो देगा, और नशे की हालत में वो क्या करेगा उसे खुद पता नहीं चलेगा। जो कुछ भी करके इसे ड्रिंक पीने से रोकना होगा। तुम ये मत पियो। क्यों? मेरी फेवरेट ड्रिंक है, मैं पीऊंगा। क्योंकि वो अभी इतने रंग उछाल रहे थे ना सब, आई एम श्योर इसमें रंग चला गया होगा, पेट खराब हो जाएगा। एक सेकंड ना, दी सब ठीक है? प्रीता ये क्या किया तुमने? गिरीश। हाँ सर। अब सब ठीक है। वो पैर ही मुड़ गया। तुम बातें इतनी करते हो, एकदम कुछ भी हो जाता है किसी को जो तुमसे बात कर रहा होता है। तुम जाओ अपना काम करो। तेरी बहन बहुत अजीब है यार। ओह गॉड, अब इसे हैंडल करना होगा। ये चल क्या रहा है यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ मिस कर दिया? और प्रीता को शक भी नहीं होगा और हमारा प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, यही करते हैं, ये अच्छा प्लान है। आई नो, प्रीता को लगता है बहुत स्मार्ट है वो नहीं जानती, हम उससे ज्यादा स्मार्ट है। बहुत कोशिश कर रही है ना कि हम करण को ये भांग ना पिला पाए, उसे पता ही नहीं, खुद हमारी हेल्प करेगी उसे भांग पिलाने। मेरे साथ रहते रहते तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई मायरा। चलो अब चलते हैं हमारे सुपर डुपर प्लान को एग्जीक्यूट करने। लेट्स गो। ये टैलेंट नहीं है मेरे अंदर, बिना डायल किए फोन कनेक्ट हो जाए। हाँ, अरे उसने काट दिया।
प्रीतम चल क्या रहा है? पीछा क्यों कर रही मेरा? मैं कहा तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? कुछ नहीं चल रहा है। मैं कहा तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? ये मुंह बना दिया ना, मुझे ऐसा लग रहा तुम मेरी साइको फैन हो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी कोई फैन वैन नहीं, समझे? कूल, मुझे फॉलो मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो प्लान है ना वो फेल हो जाएगा। ये देखो ना करण, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं तुम्हें बात नहीं। अरे लेकिन चलन, मुझे गेस्ट रूम में आके मिलो। अब क्या है यार, गिरीश तुम ना प्रीता के पास जाओ और उसे बोलो कि कृतिका उसे मेरे रूम में बुला रही है। नहीं, उसको आप ये बोलो कि कृतिका उसे गेस्ट रूम के वॉशरूम में बुला रही है। वो क्या है ना, कृतिका की तबीयत नहीं ठीक है, उसको बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही है, इसलिए बुला रही है। उसके प्यार का रिस्पॉन्ड ही नहीं देता। तुम्हें पता है मेरे ससुर जी महेश लूथरा वो कोमा से बाहर आने वाले, और हम जैसे ही कोमा से बाहर आएंगे मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी। अगर घर से बाहर भी नहीं गई लेकिन जैसे ही वो जग जाएंगे मेरे रातों की नींद उड़ जाएगी, वो मेरी सच्चाई सबको बता देंगे। मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रहोगी। That's my promise. तुम टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स बेबी, हम सब संभाल लेंगे। आज हमारी पहली होली है और आपने मेरे साथ होली भी नहीं खेली। तुम मुझे बोल देती, मुझे मैं अच्छा बताओ कौन सा कलर पसंद है? आई थिंक पर्पल इज अ गुड कलर। हैप्पी होली शर्लिन, देयर यू गो। ओके हैप्पी नाउ? जी। अरे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत किया करो, एक्चुअली गेस्ट आए हुए थे, ऑफिस से कुछ लोग आए तो मैं उनमें सब में बिजी हो गया। मुझे मालूम है मैं कभी कभी थोड़ा सा रूड साउंड करता हूँ, बट मेरा ऐसा आई डोंट मीन टू बी रूड, इट्स लाइक दैट। कोई नहीं वहां पर, कमरे में कोई नहीं है। ऋषभ जी कोई नहीं है तो फिर आवाज कहां से? ऋषभ जी चलिए ना बाहर चलते, सब हमारे इंतजार कर रहे होंगे होली खेलने के लिए। चलिए किशोर यहां पर कोई नहीं? ऋषभ जी कोई नहीं है यहां पर। ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? खेल रहे हैं और वैसे भी नीचे इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर पे म्यूजिक लगाए, हमारी आवाज तो जाएगी नहीं नीचे। क्या करें सृष्टि? मैं क्या बोल रही हूँ, वहाँ पर है ना वो लंबी सी विंडो है,
उसका लैच खोल के हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये लैच बहुत ऊंची नहीं है। हाँ, ये खिड़की बहुत बड़ी है। मुझे नहीं लगता सृष्टि इस पे तो तेरा भी हाथ जाएगा। ये टेबल है ना, ये टेबल के ऊपर चढ़ के कर सकते हैं। आपको करना है क्या ट्राई? व्हाट टेबल? अरे टेबल तो इस वक्त मैं बना हुआ हूँ, इसका मतलब ये दोनों मुझ पर चढ़ेंगे। अरे यार मेरी पीठ के बारे में तो जरा सोचो। मुझे ना एक बात शेयर करनी है, समझ नहीं आ रहा किससे शेयर करूं। आपको बताऊं? बोलो ना कृतिका, क्या हुआ? वो एक्चुअली समीर भाई, मुझे ना बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है मायरा के बारे में। मतलब आप खुद ही सोचिए ना, मायरा वो मायरा नहीं रही जो मेरी बचपन में दोस्त थी, पूरी बदल चुकी है। आई मीन हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि वो पूरी बदल गई है, या तो कुछ तो बदला है उसके अंदर। संगत, संगत बदली है उसकी। संगत का मतलब समझती हो? कंपनी। तुमने एक चीज नोटिस की है, आजकल मायरा जब देखो शर्लिन के साथ ही चिपकी रहती है, जब देखो। यार समझ में नहीं आता दोनों आपस में क्या बातें करते हैं। फाइनली करण को भांग पिला दिया। शर्लिन, इधर उधर देखने की बजाय मेरे सवाल का जवाब दोगी? यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, क्या एजेंसी? ऋषभ जी, वो आपको दादी और करीना बुआ बुला रहे थे। करण, ऋषभ, तुम्हारे पापा को होश आ रहा है और तुम दोनों को याद कर रहे हैं, जल्दी ऊपर आ जाओ। करण, चल। शर्लिन, यहाँ खड़ी होके क्या सोच रही हो? चलो सब जाते हैं। मम्मी जी, देखा आपने? महेशी हमें सुन सकते हैं, हमारी बातें सुन सकती है वो। देखिए उनकी बॉडी मूवमेंट्स हो रही है। मम्मी जी, देखा आपने? महेशी, महेशी, आंखें खोलिए, प्लीज आंखें खोलिए। अच्छा पुत्र, डैड क्या हुआ? आंखें खोलिए डैड, कोशिश कीजिए आंखें खोलने की। खोल पुत्र। देखो डैड, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, करण आपके सामने खड़ा है, दादी 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 सामने है। आंखें खोलिए ना एक बार, एक बार देख, आप कोशिश कीजिए ना हमें देखने की। मैंने डैड की सालत के लिए प्रीता को जिम्मेदार समझा, इस पर इल्जाम लगाया, लेकिन आज यही हमारी इतनी हेल्प कर रही है। नशा क्यों नहीं चढ़ा? ये तो एकदम नॉर्मल लग रहा है। शर्लिन से पूछते हैं। I'm so happy डैड ठीक हो रहे हैं। हमसे बात भी करने लगेंगे। शर्लिन, शर्लिन कहाँ चली गई? डैड को स्टेबल करने के लिए। थैंक यू सो मच। बट जेन्युइनली प्रीता जी, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतनी हेल्प की। वो तो आई जस्ट फॉलोड डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। इलेक्ट्रॉल पाउडर, वो देख रहे हो? वो खूबसूरत सी लड़की, वो मेरी पत्नी है, मेरी प्यारी बीबी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत जिद्दी है, मेरी बात ही नहीं सुनती है, अपना ध्यान नहीं रखती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला ग्लास तुम जाके उन्हें सर्व करो, है ना? मैं चाहता हूँ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो क्या ना, कल रात को हमारा झगड़ा हुआ था, अगर मैं जाकर ये दूंगा तो नखरे करेगी, तो प्लीज़ ये वाला जो ग्लास है वो सिर्फ उनको जाकर देना। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके सर। मैं भी आता हूँ। प्रीता बेटा, मम्मी जी को चाय पीने का मन कर रहा है,
तुम बना दोगी प्लीज? हाँ हाँ रखे आंटी, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। और किसी को भी नहीं? नहीं। मैं भी आती हूँ आपके साथ, आती हूँ रखे। फाइनली इतने टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। I'm so thankful to God. I'm so happy. तो किसके लिए? तेरे खुद के लिए? शोपी सही है? स्पेशल ड्रिंक है, मैं भी स्पेशल हूँ। बताऊँ कौन हूँ मैं? पीएम हूँ, पीएम। अरे बुरा मत मान यार, मजाक कर रहा हूँ, मेहमान हूँ यहाँ का मैं। Oh God, इन्होंने तो ये भांग वाली ड्रिंक पी ली। अब शर्लिन मैम को क्या बोलूंगा? इस ट्रे के सारे ड्रिंक में भांग मिला हुआ है। ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मैंने जहर पी लिया? कुछ है? नहीं। She doesn't mean anything to me. महेश अंकल मेरे पिता के समान है और उनकी तबीयत इस तरह खराब हो गई तो तुझे लगता है मेरे दिमाग में कुछ और आएगा? उस पल के लिए कुछ और सोच भी नहीं सकी, बस पूरा ध्यान इसी में लग गया कि कैसे उनकी तबीयत को स्टेबल करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माहिरा ने जो हरकत की है, जो बेवकूफी की है, उसके लिए मैं उसे सुनाऊंगी रे। अरे माहिरा ने क्या बेवकूफी की? हाँ, बेवकूफों वाली हरकत की। मैं कुछ समझा नहीं पिता। मैं समझाती हूँ। एक्चुअली माहिरा ने दी को गेस्ट रूम के बाथरूम में बंद कर दिया। What? और उसके बाद जब मैं उस रूम में आई तो माहिरा ने मुझे बेड पर धक्का दिया और बाहर जाकर बेडरूम का। अच्छा चल फिर फटाफट पहले यही काम निपटा लेते हैं। वो कमरे में बंद कर देते। अच्छा एक मिनट, आप चाय बना रहे हो और ये सब काम करने का हक मेरा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप महेश अंकल और राखी आंटी के साथ रहिए, आप करण सर के साथ टाइम बिताइए, उनका साया बन के उनके साथ रहिए, ये सब हम हैंडल कर लेंगे या तो मैं हैंडल कर लूँगी। ठीक है चलो फिर, बहुत अच्छा हो गया। तुम लोग मायरा को बंद कर दो और मैं ना ये चाय बन गई है, पहले सबको चाय पिला देती हूँ, उसके बाद सीधा करण के पास जाऊंगी और करण के साथ बैठती हूँ। किधर तो छोड़ो मुझे, ये एक कप छोड़ देना। चलो ऑल द बेस्ट। हाँ दी। मुझे एक बात बता, अगर ये सारी बातें मैं करण भाई को बता देता तो क्या पिता शादी के बाद अपनी पहली होली पर यहाँ पर होती क्या? क्या पिता महेश चाचा को पहली बार ऐसे ठीक होते हुए देख पाते? क्या करण भाई और पिता ऐसे होली खेलते एक साथ? क्या टूटे हुए दिल दोबारा मिलते? क्या आज के दिन भाई पुराने वाले दिन हम देख पाते? नहीं ना। फिर क्या बात है सामी, तुम थोड़ी मैच्योर वाली बातें करने लगे। गुड बाय, चाय पियो। आ रही हूँ। क्यूटी पाए तो मैं हूँ। गरम चाय बनाइए, हम लोग चाय पीते हैं, सारे गेस्ट को सी ऑफ करते हैं, उसके बाद वापस आके फिर से डैड को प्रेशराइज करेंगे कि जल्दी से उठे। ओके दादू। हाँ चलें बाहर थोड़ी देर के लिए। अभी सुनो दादू, अब टेंशन मत लो, डैड ठीक हो जाएंगे। अभी प्रीता जी ने कहा क्या कहा कि वो जितना रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी रिकवर होंगे। ठीक है देख, मुझे नहीं बैठने दे रहे, तेरे पास लेके जा रहा है। अच्छा अभी आपका जितना दिल करे उतना बैठ, चलो हम चलते हैं। कम मामा। आती हूँ महेश। चलिए मैं। महेश जी किसी को तुम्हारा ध्यान भी नहीं है तो तुम जितना भी चीखोगी चिल्लाओगी कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनने वाला। बड़े अफसोस की बात है, अगर तुम दोनों पर मुझे जरा भी भरोसा होता ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर जाती लूथरा हाउस, ताकि तुम लोग भी देख सको कि आज लूथरा परिवार कितना खुश है कि महेश अंकल को होश आया है। हाँ तुम दोनों भी देख सको कि तुम दोनों के होते हुए भी लूथरा परिवार कितना खुश है। लेकिन तुम दोनों तो इस लायक भी नहीं कि दूसरों की खुशी देख तक सको। अब सड़ो अंदर, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनने वाला। हैप्पी होली। लगी है ना, चला बैठ। दुश्मन, यहाँ तुम्हारे बहुत दुश्मन है। तुमने क्यों पी भांग? मुझे पकड़ लूंगा ना, मैं उड़ जाऊंगा यहाँ। थैंक यू मेरा पकड़ने के लिए। मैंने तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ा हुआ, तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मुझे आंख मार रहे हो ना,
उसी आंख से देख लो जरा। क्या किधर है जाना? तुमने मुझे हक किया। क्या हुआ, किसी ने सुनी हमारी आवाज? माहिरा समझने की कोशिश करो, कितना भी चीखो चिल्लाओ कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। अब मैं क्या करूं? उस लड़की ने हमारी चाल हम पर ही चल दी। मतलब करण नशे की हालत में, I'm sure वो प्रीता उसके साथ होगी। नहीं, बेडरूम में तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि करण और करण प्रीता क्लोज आ जाएंगे? वो रेडी नहीं लगता है क्या? ठीक लगता है, लेकिन शादी बिल्कुल नहीं। शादी जितने अच्छे नहीं लगते हो कि बैठ के मैं शादी करूं। क्यों? अरे कह दिया ना नहीं शादी करनी तो नहीं कर। अरे बताओ ना क्यों? नहीं बताती है। तेरे को बता दो वरना मैं रो पड़ूंगा। रो तो पहले। नहीं मत रो आप। ठीक है मैं बता देती हूँ कि तुमसे शादी क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आज तक तुमने मेरी ढंग से मैं सोता हूँ जो सपने देखता हूँ वो सपना तुम अमृता, तुम हाँ? मैं क्या प्यार? मेरा प्यार हो तुम प्यार। Can I just hug you? हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसे पड़े रहेंगे क्या? कुछ तो होगा ना, किसी को तो बुला सकते होगे, कुछ तो सोचो, कोई तो हमारी हेल्प करेगा ना। है ना मेरा पुन्नु बेबी, वो हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। इस वक्त लूथरा हाउस में है वो, उसी को बुलाती हूँ। फोन ट्राई करती हूँ। पर नेटवर्क ही नहीं है, वॉइस नोट भेजती हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, आउट हाउस के स्टोर रूम में जल्दी से आ जाओ। किसको मैसेज किया? हाय, हाय शैलेन। ये कौन? मैं कौन? टॉन। तुम कौन? मैं ये जो कोई भी है इस वक्त बहुत ड्रंक है, मैं तुम्हें फिर बाद में मिलूंगी। भांग पी कर आयो ना, इससे पहले कि तुम मेरे लिए कोई मुसीबत क्रिएट करो मैं तुम्हें यहां पर बंद कर देती हूँ। हैप्पी होली। फील कर रही हो तुम्हें? माय गॉड जेलस। और मैं कभी भी नहीं। प्रीता अरोरा कभी जेलस फील करती नहीं। कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। अरे कर रही हो? कहा ना नहीं कर रही हूँ। देखो एक तो मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ बैठी हूँ, तुम मुझे ऐसे छेड़ना छेड़ना बंद करो वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो छेड़ूंगा। नाटी प्रीता अरोड़ा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। ओके आंखें बंद कर ली मैंने। ओके तो अब बताओ कि वो तीन वर्ड्स कौन से? जब भी तुम मेरे सामने आते हो मेरे दिल में सच में कुछ कुछ होता है और
मेरे दिल में वो तीन वर्ड जाते हैं और मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कहूँ, कितनी बार सोचती हूँ कि तुम्हें कहूँ 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 लेकिन कभी कह ही नहीं पाती। बच्चे हमेशा होली और दिवाली पर कैसे उड़ जाते हैं सुबह सुबह। दिवाली वाले दिन दिए सजाने लगते हैं, होली वाले दिन प्लेटों में रंग होते हैं, गुजिया रखते हैं, लेकिन हमारी दोनों बच्चियों को देखो अभी तक सो रही। मैं ना इन्हें बीजी नहीं बनने दूंगी। बीजी को देखा है ना कैसे नखरे करती है रंग लगवाने से, कितने तरले करने पड़ते हैं तब जाकर टीका लगवाती है। ये दोनों भी ना ऐसे बन जाएंगी। पकड़ जरा, मैं आती हूँ। प्रीता, सृष्टि, मुझे पता ही नहीं लगा रंग तो सारे मैं लेके चली गई थी। अरे ये दोनों कहाँ गए हैं, तुझे बता के गए हैं क्या? नहीं, मैंने तो नहीं दस के गई। बहन जी, कितनी बार मना किया है ना दोनों को कि ना उस घर में जाए ना उस घर के लोगों से मिले, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानती। बड़ी हो गई है ना, माँ की बात क्यों मानेंगी। कितनी बार समझाने की कोशिश की है मैंने कि अगर वहाँ अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं, लेकिन पता नहीं मेरी बात उन्हें समझ में ही नहीं आती। समझ में ही नहीं आती कि होलिका दहन की आग में वहाँ के बुरे लोग खत्म नहीं होने वाले, लेकिन उस आग की आँच से मेरी बच्चियों की अच्छाई को जरूर फर्क पड़ेगा। थक गई मैं समझा समझा, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। ये लो करण रुद्रा का बैट, बाहर दुश्मन है ना, ये तुम्हारी मदद करेगा। करण, दरवाजा खोलो और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। क्या अंदर क्या चल रहा है? चलो हट, अब मुझे जाने दो। क्या मुझे जाना, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हें, क्यों बताएं? हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बात होती है ना वो सीक्रेट होती है, अरे गरे को नहीं बताई जाती, समझी? मिस्टर हस्बैंड, मिसेस वाइफ, इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दो। ओके मिसेस वाइफ, तुम मेरी बात सुनो। ये करण, दरवाजा खोलो। चलो, हाँ बहुत टाइम हो गया मिले हुए, चलो मायरा। घर वाले यहीं पर आ रहे हैं, प्लीज किसी से कुछ भी मत कहना, हम किसी को नहीं बुलाएंगे। करण और प्रीता एक साथ कमरे में, ठीक है? हम मर गए तुम। शैलिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम भाई से मिलने जा रहे हैं, चलो ना मिल के आते हैं। बुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो हम पापा जी से मिले थे। शैलिन, मायरा, हम जानते हैं कि तुम लोग महेश जी से मिल चुके हो, तो क्या हुआ? चलो हमारे साथ दोबारा, मम्मियों के साथ। हाँ शर्लिन, चलो ना सबके साथ चलो, अच्छा लगेगा। चलो चलो, आओ हमारे साथ वक्त गुजारिए। भाई कुछ तो बोलिए। आंटी, मुझे लगता है हमें अंकल को ना उतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम बाहर चलते हैं। हाँ बुआ, मायरा बिल्कुल सही कह रही है, पापा जी को आराम की जरूरत है, हम बाद में आ जाएंगे ना। चलिए। बुआ, पापा जी का बिल मैं ठीक कर देती हूँ, वैसे भी पापा जी के सारे काम मैं ही करती हूँ ना।
हमने कमरे को अंदर से बंद किया हुआ है। कमरा अंदर से बंद है और मैं करण के साथ। अगर इस दौरान कोई आया होगा, खटका होगा, क्या सोचा होगा? बाप रे। करण, तुम ठीक हो? करण, तुम ठीक हो ना? ओके। करण, मेरा हाथ छोड़ो। सबको बता देगा, जैसे ही वो लूथराज को मेरे बारे में बताएगा ना, वो लोग मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। उसके बाद वो प्रीता की अच्छाई के गुणगान गाएगा। वो सबको बताएगा कि प्रीता कितनी अच्छी है। उसके बाद ये लूथराज प्रीता को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही प्रीता इस घर के अंदर आएगी, तुम इस घर के बाहर चली जाओगी। वो मेरी असलियत तो जानती है, वो तुम्हारी असलियत भी जानती है। वो सबको बता देगी कि तुम कितनी बुरी लड़की हो। और करण के दिल में प्रीता के लिए क्या है, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर महेश लूथरा हमारी जिंदगी में लौट आए ना, तो हम दोनों मौत के मुंह में पहुंच जाएंगे। अब मैंने उन दोनों को स्टोर में बंद कर दिया ताकि वो ज्यादा नुकसान ना कर सके। लेकिन मुझे जाकर चेक करना चाहिए कि अब वो कहाँ है। तुम मेरा हाथ छोड़ो। कौन दोनों? छोड़ छोड़ छोड़। किन्होंने भांग पिलाई मुझे? करण, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त मुझे जाना है। देखो, मैं जो काम करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत हेल्प होगी। पक्का तुम्हारी हेल्प होगी? करण, मेरी नहीं, उससे ज्यादा तुम्हारी हेल्प होगी। प्लीज मुझे जान दो। सब बता देगी ना कि तुमने उनको ऐसा किया था। प्रीता ने कुछ नहीं किया था। प्रीता बहुत अच्छी है और प्रीता की शादी हो जाएगी करण से। करण उसे एक्सेप्ट कर ले, कहीं फैमिली उसे एक्सेप्ट कर ले कि ये। मायरा, मायरा, स्टॉप इट। इतनी हाइपर मत हो। तुम खुद तो हाइपर हो रही हो, मुझे भी हाइपर कर रही हो। मुझे सोचने दो कि क्या करना है। लेट मी थिंक। सुन, मार देते। सोचने का टाइम नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। मार देते हैं उनको। हेल्प के लिए नहीं आई हूं। मैं यहां पे शोलिन की हेल्प के लिए आई हूं। I'm so sorry. महेश अंकल की आवाज़।